मतलब आप इटली पहुंच कर पूरे आप इटालियन बन गए, बाल वाल आपने उसी तरीके के कटा लिया, पाकिस्तानी वीडियो यार। एग्जैक्टली यहाँ पाकिस्तान में आपकी पूरी बीच की मांग आपने निकाली भी थी है, और यहाँ पे आपने पूरे कटिंग वाली दाढ़ी थी। बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी पाकिस्तान में रह रहे के ना, वो आपको पता है वहाँ के सीन पाकिस्तान के, उधर जैसे भी हो कोई मुश्किल नहीं होती। माइक अपने मुंह के पास कर लीजिए बस, हवा क्योंकि चल रही है। हाँ अब सही आ रही है आवाज, परफेक्ट आ रही है, बस माइक नहीं दूर करिएगा। अच्छा कहाँ पे बैठे हैं आप? मैं इस वक्त पार्क में बैठा हुआ हूँ, ये बिल्कुल मेरे घर के नजदीक ही पार्क है। अच्छा तो... वीडियो बना के भेज दिएगा मुझे ना इस पार्क की, जब ये कॉल कटे ना मैं वीडियो में लगा दूंगा भाई। और कहाँ पे बैठे हैं आप, ये कौन से रोम में ही है ना अभी आप, इटली में? एग्जैक्टली रोम में, ये तोरे एंजिला इस एरिया का नाम है, और डिफरेंट इधर से सेंट जोआनी जो मेन एरिया है जहाँ सेंटर है तर्मनी, उनसे तकरीबन आधे घंटे का जो है ना वो डिस्टेंस पे है। अच्छा, यहाँ से मेट्रो बिल्कुल करीब है, यहाँ से बिल्कुल एक मिनट के फासले पे है। बिल्कुल। अच्छा नेमत भाई, आप लोग जो भी देख रहे हैं, नेमत हमारे कितने महीने हो गए आपको इटली में, पहले ये बताते चले। मैं 15th सितंबर में आया हुआ हूँ, तो तकरीबन आज 2 महीने से ऊपर हो गया है टाइम। 2 महीने हो गए भाई। नेमत को मैंने बोला था कि जब आप लोग को पिछली वीडियो में जो नेमत की वीज़ा की इन्होंने पूरी स्टोरी और कहानी सुनाई थी, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो वो ये रही, वो देख लें। उसमें मैंने बोला था नेमत जब आप इटली पहुंच जाएं तो वीडियो बनाएगा। नेमत जॉब वॉब में अपने मसरूफ़ थे पार्ट टाइम, और फिर मैंने इनसे सोचा ये आज फ्री हुए हैं, पार्क में बैठे हुए थे, इन्होंने फ़ौरन कॉल करी, तो मैंने सोचा आज इनसे खूब सवालात करें कि क्या इटली की लाइफ है, कैसी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नेमत, वो बच्चों ने बड़ी 10-15 हज़ार लोगों ने वो वीडियो देखी, और भाई आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेमत अच्छा अब मैं आपसे सवालात पूछता हूँ कुछ जो लोगों के दिमाग में होते हैं। भाई बताएं कैसा लग रहा है इटली आपको 2 महीने के बाद, कैसा लगा जब पहली बार पहुँचे? भाई फंटेस्टिक। इटली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द यूरोप, आई थिंक इन द वर्ल्ड। एंड यहाँ के लोग, यहाँ के जो है एरियाज और यहाँ के गलियाँ, एंड समहाउ द मार्केट प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग। मैं रोमा सरप्राइज रोमा रह चुका हूँ, मैं रोम में रह चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी तो वो ये नहीं, मगर बहुत अच्छा लगता है मुझे भी रोम, और बहुत अच्छे वहाँ लोग भी थोड़ा घुल मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं। आपके यहाँ अभी तक धूप निकली है? मैं इस टाइम फिनलैंड में हूँ, यहाँ 4 बजे अंधेरा हो जाता है और आपके यहाँ धूप निकली भी है यार, ज़बरदस्त। यार ये तो शुक्र है अल्लाह का, में बैठे हुए हो भाई, अभी अल्लाह का शुक्र है, ये कल से जो है ना मौसम थोड़ा नॉर्मल हुआ है, ये सूरज निकला है, वरना पिछला पूरा हफ्ता जो है ना बरसात बारिश, इतनी बारिश के बंदा बाहर ही ना निकल सके। बारिश तो यूरोप में रोज ही होती है जहां भी आप हो, मगर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं इटली आ जाऊं। एक और अच्छा काम किया है, पहले ये मतलब पाकिस्तान के हिसाब से 3 घंटे हम पीछे थे, अब इन्होंने 1 घंटा पीछे कर दिया है, तो अब 5:30-6 बजे तक मतलब सूरज जो है ना कम्प्लीटली। सर्दियों में पूरे यूरोप में टाइम डिफरेंस बढ़ जाता है, 6 महीने 4 घंटे का डिफरेंस रहता है, 6 महीने 3 घंटे का, और अभी मैं फिनलैंड में हूँ तो 6 महीने या 3 घंटे का डिफरेंस रहेगा, और 6 महीने 2 घंटे का रहता है गर्मियों वाले, क्योंकि ये थोड़ा आप लोगों से 1 घंटा मैं आ गया हूँ। अच्छा तो नेमत बताइए, सबसे आपकी अकोमोडेशन के बारे में थोड़ा बताइए कि अकोमोडेशन आपको कैसे मिली, कैसे रह रहे हैं आप, क्या लिविंग कंडीशन होती हैं पहुँचने के बाद, और क्या किराया है वगैरह वगैरह। सबसे पहले भाई आपको फेसबुक पे पेजेस हैं वो आप ज्वाइन करें, या आप किसी सीनियर से जो है ना कांटेक्ट में रहें, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा तो फिर अकोमोडेशन कैसी है? एग्जैक्टली बहुत प्यारी है अकोमोडेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आप अकेले कमरे में रह रहे हैं या शेयर्ड रूम है? शेयर्ड रूम है, 3-4 बंदे हैं हम रूम में, बड़ा रूम है वो, और तकरीबन ये इधर से मैं मूव हो जाऊंगा 1-2 महीने में, उधर सेंट जोआनी यहाँ से करीब है, तकरीबन आधे घंटे का सफर है, बिल्कुल, तो सेंट जोआनी मूव हो जाएंगे हम, तो फिलहाल जो है एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग डेज आपको सीनियर्स लाजमी स्टार्टिंग डेज में सबको एडजस्ट करना पड़ता है, सही है, ऐसा ही नहीं कि पहुंचते के साथ। अच्छा किराया कितना है आपका?
मैं 140 यूरोस पर मंथ देख लीजिए भाई, मैं अपनी वीडियोस में अक्सर बताता रहता हूँ, मैंने नहीं बोला ये, नेमत ने अपना किराया खुद ही बताया, 140 यूरो किराया होता है, मगर अगर ये एक प्राइवेट रूम में जाएंगे तो वो तकरीबन 180 190 200 यूरो तक होएगा, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ, exactly, जब तक पार्ट टाइम जॉब नहीं लगती तब तक पाकिस्तानी रुपए खर्च दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है, इसलिए वो थोड़ा सा पैसे जाने में बहुत दुख हो रहा होता है। बड़ी 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 बात है यार। अच्छा। ये मेरे साथ भी ये सीन हो रहा था, लेकिन बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि भाई नहीं, पाकिस्तानी यूरो को अब तो अभी पार्ट टाइम जॉब लगवा दी। पार्ट टाइम जॉब के बारे में अपनी बताएं कैसी है, कितना पैसे मिलते हैं, कितनी अलाउड है करना? बिल्कुल एग्जैक्टली, पार्ट टाइम जॉब आप जितना दिल चाहे आप कर सकते हैं। आज क्योंकि मैं भी प्रीवियस वीडियोस देख रहा था, उसमें लोग ना काफी 20 घंटे 22 घंटे, देखो भाई मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताऊं, 20 घंटे 22 घंटे जरूर है टेक्निकली, मगर यार वो मतलब वो बोलते हैं पुलिस आ जाएगी हमें पकड़ लेगी, अभी पुलिस के पास ये काम रह गया कि रेस्टोरेंट में घुस के तुम्हें पकड़ेगी। वही है यार, ये मैं फिलहाल तो मिनाल भाई आपको पता है डिलीवरी करनी पड़ती है स्टार्टिंग फेज में, जब तक आप जो है ना कंपनी विजिट करो, इधर पता चले आपको आपकी फील्ड की जॉब की। तो अभी मैं ग्लोवो कर रहा हूँ, फर्स्ट डेज एक महीना मैंने उबर ईट्स में काम किया तकरीबन, उसमें थोड़े पैसे कम आते हैं लेकिन ग्लोवो मिल जाती है। यहाँ लोग जो है ना काम नहीं करते उनके पास आईडीज होती हैं, जो ये जो फ्रेश आते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। हाँ देखो, जो फ्रेश आते हैं वो मैंने जो मैंने भी एक फूडोरा की वीडियो अपलोड करी थी कि ऐसे पार्ट टाइम जॉब 2 मिनट में मिल जाती है, लोगों ने नीचे क्या कॉमेंट करा कि भाई ऐसे थोड़ी यूरोप पहुंचते ही नहीं कर सकते आप, जब तक आपका परमिट, बहुत सारे तरीके होते हैं, जब आप लोग यहाँ पहुंच जाएंगे तब आपको पता चलेगा, ऐसे मैं वीडियो में सब कुछ नहीं बता दूंगा। कितने दिन बाद आपकी जॉब लग गई थी पहुंचने के साथ? मैं एक हफ्ते के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दी थी। जर्मनी में तकरीबन 1200-1500 यूरो या बहुत से बहुत 2000 भी कमा लेते हैं डिलीवरी जॉब से, यहाँ फिनलैंड में 2000 से भी ज्यादा कमा लेते हैं, इटली में क्योंकि वहाँ हर चीज सस्ती होती है, तो वहाँ कितने तक कमाई है भाई? इधर मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1500 तक आ गया हूँ, महीने में इतना कमा रहा हूँ 1500 यूरोस। मैंने नहीं बोला भाई ये बात, ये इन्होंने बोला है, और अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि कैसे 1500 कमा रहे हैं कैसे, और भाई ज्यादा काम करोगे डिलीवरी जॉब में बहुत पैसे होते हैं, आप ज्यादा काम करोगे। सिर्फ 5 से 6 घंटे डेली, मैं बता रहा हूँ आपको मिनाल भाई, 7 के 7 दिन में 5 घंटे जाता हूँ, शाम को 5 बजे जाता हूँ, 10 बजे वापस आ जाता हूँ, ठीक है 10-11 बजे इसी टाइम वापस आ जाता हूँ, लेकिन मेरी रूटीन यही है, 5 बजे जाओ रात को 11 बजे वापस। और आप किस चीज, किस व्हीकल पे करते हैं, साइकिल पे करते हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी, स्कूटी पे? पहले मेरे पास पावर स्कूटी होती है वो इलेक्ट्रिकल भाई, यहाँ पे हर सड़क पे इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स खड़ी हुई होती है, वो 5 यूरो दिन का होता है ना, वो महीने का आप पास ले सकते हैं, आपको 30-35 यूरो में मिल जाता है डॉट का। इधर 2 टाइप की स्कूटी, 3 टाइप की है, लेकिन अब जो है ना मैं मशवरा दूंगा हेल्बिस की स्कूटी, उसका 90 यूरो में मिलता है, लेकिन डॉट में ये है कि आप अगर 30-35 का लेंगे तो वो आपको लिमिटेड राइट्स देते हैं, 100 राइट्स, आप 100 राइट्स तक होती है, लेकिन हेल्बिस अनलिमिटेड राइट्स है, महीने में आप जितनी चाहे इस्तेमाल करो, उसका 80 यूरो। और डॉट में आपको महीने का 30 यूरोस का पास लेना पड़ता है, वो आपका 7 दिन में खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी राइट से 100 देते हैं, 7-8 दिन में वो खत्म हो जाता है, फिर आपको पास लेना पड़ता है। भाई तो तकरीबन ये 90-120 हो जाता है, 120 यूरो भी लग जाते हैं, 120 यूरो भर के लोग काम ज्यादा करते हैं। ये तो आप हो ना जो सिर्फ 5 घंटे काम कर रहे हैं, लोग तो 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, और वो बताओ कितने कमाते हैं पार्ट टाइम डिलीवरी जॉब से? भाई 100 यूरो डेली बेसिस पे 100 यूरो लेकर आते हैं वो, और ये महीने के बन गए भाई 3000 यूरो, 3000 यूरो इधर के पाकिस्तानी 6-7 लाख बन रहे हैं, और ये 100 यूरो ना बने इधर नहीं आते, वो कितने घंटे काम करते, 10 घंटे मैक्सिमम 10 घंटे काम। और भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी ये वीडियोस सिर्फ इसलिए बनाने का मकसद है, नेमत अपना टाइम इसलिए कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता चले। पाकिस्तान में बहुत सारी लोग वीडियोस बनाएंगे, पाकिस्तान में बैठ के वीडियोस बनाएंगे, आपके दोस्त रिश्तेदार बहुत सारे लोग बातें करते हैं, मगर देखिए ग्राउंड रियलिटीज जो यहां रहते हैं उन्हें पता होता है, वो इटली में रहना है और वो उन्हें सिर्फ 2 महीने हुए हैं और वो महीने के 1500 यूरो कमा रहे हैं पार्ट टाइम जॉब से, और उनकी तो कोई फीस भी नहीं है, यूनिवर्सिटियों की फीसें भी माफ हो जाती हैं, यहाँ पहुंचे बोलो भाई 156 यूरो साल की क्या फीस है भाई, 150 स्कॉलरशिप भी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, क्योंकि स्कॉलरशिप है मेरे पास, स्कॉलरशिप पहुंचने के बाद अप्लाई कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं बोलता हूँ चलो सेकंड सेमेस्टर से आपको वहाँ स्कॉलरशिप, जब आपका रेजिडेंस परमिट बन जाए। अच्छा हाँ,
तो बताओ रेजिडेंस परमिट आपने अभी तक अप्लाई करा? कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हो गया है। और उसकी कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? इटली पहुंचने के बाद जो बच्चे स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं ना सेकंड सेमेस्टर के लिए, उन्हें इसलिए करते हैं, वो रेजिडेंस परमिट चाहिए होता है उन्हें नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। तो वो रेजिडेंस परमिट कैसे अप्लाई करते हैं बताइए नेमत भाई जान। यो परमिसो दी सोजोर्नो की बात कर रहे हैं शायद? बिल्कुल जी जी सोजोर्नो। हाँ जी, उसके लिए ये है कि आपके पास ये पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, उसकी कॉपीज कोडिसे फिस्काले होना चाहिए आपके पास, ठीक हो गया। और उसके अलावा प्री एक्सेप्टेंस लेटर जो यूनिवर्सिटी देती है आपको, प्री ये एडमिशन लेटर, ठीक है, वो अगर है, अगर एनरोलमेंट है तो ज्यादा बेहतर, एनरोलमेंट आपकी हो गई, वो आपका, हाँ एनरोलमेंट समरी आपके पास है तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर वो नहीं है तो प्री एक्सेप्टेंस से भी हो जाएगी, जो आपके पास होगा ही होगा क्योंकि आपकी एडमिशन होती है, ठीक हो गया। और प्लस में बस यही चीजें चाहिए होती है, और पैसे कितने पैसे का ये होता है? तकरीबन 105 यूरो मेरे लगे थे, उन्होंने पोस्टे वालों ने लिए थे, पोस्टे इटालिया ने जो है इधर, और 16 यूरो का मेरा मार्को दी बोला जो होता है जैसे पाकिस्तान में स्टैंप, पोस्टल स्टैंप, हाँ हाँ जी जी पोस्टल स्टैंप लगा, तकरीबन 130 यूरो तक। और कोडिचे फिस्काल टैक्स नंबर होता है, तो इन्होंने ज्यादा इटालियन बन गए ये दो महीने में। अच्छा, तो फिर और ये कितने दिन में आपको मिल जाएगा और कितने टाइम का मिलेगा? भाई मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिया हुआ था, मैंने ऑस्ट्रिया में अप्लाई किया हुआ था ये तकरीबन, फिर उधर एक मसला हो गया मेरे साथ। लेकिन आप जो है ना जिधर भी रह रहे हैं वहाँ उधर कस्तूरा में अप्लाई करो, उधर ही पुलिस स्टेशन कस्तूरा, उधर ही मतलब इमिग्रेशन ऑफिस में अप्लाई करिए, बिल्कुल उधर करें तो अच्छा है, क्योंकि मैंने उधर शॉर्टकट मैंने ढूंढा तो मुझे 200 यूरो की हॉस्पिटी बनानी पड़ी। फिर हाँ हॉस्पिटी तो बनानी पड़ती है, हॉस्पिटी मतलब रहने का प्रूफ कि आप कहाँ रह रहे हो वो भी जमा करवाना पड़ता है। एग्जैक्टली रह रहे हो तो रहने का रजिस्ट्रेशन कहते हैं, रजिस्ट्रेशन के आप कहाँ रह रहे हो वो साथ दिखाना पड़ता है। अच्छा तो ये और ये कितने टाइम का मिलेगा आपको और कब मिलेगा? ये ज्यादातर तो आपको पता है इधर 6-8 महीने फिंगर की डेट देते हैं, लेकिन मुझे 20 दिन के बाद फिंगर की डेट मिल गई थी जैसे अप्लाई किया, उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में परमिसो दी सोजोर्नो मेरे हाथ में होगा। कितने साल का मिला ये आपको सोजोर्नो? यार मेरे पास एनरोलमेंट नहीं थी तो उन्होंने 1 साल का करके दिया, अगर एनरोलमेंट होती तो वो कह रहे थे हम 2 साल का आपको दे। और अभी आपके पास है सोजोर्नो के आप दिखा सको? अभी नहीं है क्योंकि वो अभी घर जाकर ना, घर जाकर आप मुझे सोजोर्नो की फोटो भेज देना ताकि स्टूडेंट्स देख लें कि कैसा दिखता है, और फिर आप वो मिलने के बाद भाई डिपेंडिंग ऑन द टाइम 20 दिन में भी मिल जाती है और 6-6 महीने की भी डेट्स मिलती हैं, ट्रैफिक के ऊपर होता है। और दूसरी बात, क्या खर्चा आया इन्होंने सारे कुछ बता दिया? खाना पीना बनाना सीखा या नहीं? जी खाना पीना बनाना भी सीख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खाने पीने का मैं खर्चा बता दूं कितना आता है, मैक्सिमम 40-50 यूरो खाने पीने का आपका खर्चा है। अगर आप शेयर्ड रूम में एक फ्लैट में रहते हैं और वो मतलब आप 4-5 बंदे अगर हैं, हाँ, तो एक एक पर 40-50-60 तक चलो मैक्सिमम, और ऐसे आपका 20 यूरो दूध वगैरह अगर आप ले रहे हैं सुबह नाश्ते के लिए तो वो आता है मतलब 70-80 यूरो तक आप महीने का हिसाब कर लीजिए। तो महीने का टोटल खर्चा इटली में कितना होता है रोम में कैपिटल सिटी में? छोटी सिटियों में और कम होता है, 250 यूरो काउंट कर लें अगर आप शेयर्ड रूम में रहते हैं। हाँ। तो अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं जिसमें आप दो बंदे हैं तो आपको 200 यूरो देना पड़ेगा रेंट सिर्फ, और अगर आप खाना पीना उसमें मिला के 300 यूरो तक। चलो यार 300, जब आप 1500 कमा रहे हो तो 300 कुछ भी नहीं है यार, तो 300 मतलब रहना अच्छे से चाहिए। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा, और आप लोग जितने भी रहना है वहां पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मगर फिर बंदा रहे अच्छे से, अच्छे से जगह रात में जाके सोना, उस जगह पे सुकून होना चाहिए ताकि सुबह काम करने की हिम्मत हो, वरना सुबह। अच्छा हाँ, यूनिवर्सिटी के बारे में तो बताएं कैसी चल रही है, क्या हो रहा है? भाई अभी मैंने 2 दिन सिर्फ फिजिकली क्लासेस लिए थे, बाकी मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो सुबह तकरीबन 8-9 बजे क्लासेस स्टार्ट होते हैं, हफ्ते में 2 दिन ऐसे हैं जिसमें 1 बजे तक होती है, 2 दिन ऐसे हैं जिसे 5 बजे तक क्लासेस होती हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, और अच्छे से रिस्पॉन्स भी दे रहा हूँ टीचर्स को, और अच्छी स्टडी भी जा रही है। और इस तरीके से आप स्कॉलरशिप को भी सेव कर सकते हैं, अगर आप काउंट कर लें सुबह अगर 8-5 बजे तक आप क्लासेस भी ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप 5-10 बजे तक या 11 बजे तक, अगर आपको
काम नहीं भी करना ना, आप 3 घंटे जाए आप इधर के एक्सपेंसेस निकाल देंगे डेली बेसिस पे, 2 घंटे 3 घंटों में काम करके फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। 5-6 घंटे यार हर बंदा निकाल सकता है, मतलब पाकिस्तान में भी जब आप पढ़ाई करते हो तो 5-6 घंटे दोस्तों के साथ घूमते ही हो ना, तो 5-6 घंटे आप काम नहीं कर सकते। और आप यूनिवर्सिटी से कितना दूर रहते हो? यूनिवर्सिटी तकरीबन 1 घंटा लगता है मुझे वहां पर। 1 घंटा लगता है, आप रोम के दूसरे कोने पे, मतलब रोमा सापियंजा वो सेंट्राली की तरफ। एग्जैक्टली। और कोई बात अगर नेमत आप बताना चाहो अपनी लाइफ के बारे में जो अचानक से चेंज हो गई, घर की याद आती है पाकिस्तान पाकिस्तान की? भाई घर की याद मेरे ख्याल में सबको ही आती होगी, और आप बात करते हैं घर डेली बेसिस पे अपने अब्बू से अम्मी से तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। आ जाए इधर यार, इधर बहुत मजा आए, बस ये मैसेज। अरे आपका मौसम देख के, आपका मौसम देख के तो मेरे आने का दिल चाह रहा है, पाकिस्तान वाले तो बाद में आएंगे, मैं ही सोच रहा हूँ। मौसम बहुत अच्छा है यार, इधर ठंड भी रात को पड़ती है ठंड, बाकी दिन अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे मिल जाते हैं सूरज निकलता है मजे से, बंदा जो है ना टी शर्ट पहने हुए बैठे हो या मैं घर में जैकेट पहना हुआ बैठा हूँ भाई, इतना याद तो बड़ी सर्दी है भाई। तो लास्ट अगर कोई बात आप शेयर करना चाहें वरना मैं वीडियो खत्म कर। कोई मसला नहीं भाई, ये आपकी नवाजिशें हैं, आप मैं मैसेज देना चाहूंगा आपकी ये बहुत बड़ी ये जो स्टेप लेते हैं आप, खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी भाइयों या एशिया के जो हैं उनको बहुत फायदा पहुंचता है आपकी वीडियो से, और वो थोड़ा सा उनको नॉलेज आती है कि उधर, क्योंकि लोग परेशान होते हैं, और ये आपकी जो है ना ये मतलब एनर्जी है, पोटेंशियल है, आप टाइम निकालते हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा इजीनेस जो है उनकी लाइफ में, नहीं बहुत आपकी मेहरबानी देते हैं, अब देखो फिर उनका इधर आना बहुत आसान हो जाता है, आपकी अब लाइफ चेंज हो गई, अच्छी बात है ना, कभी ना कभी आप याद करोगे कि हाँ यार मिनाल बंदा है। हमारे पास भी ऐसा नहीं है, 200 बंदे आते हैं तो उनमें से भी 5 का काम कभी कभी नहीं हो पाता यार, नसीब की बात होती है आखिर में, मैं सबसे बोलता हूँ। मगर भाई अगर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये रहे मेरे कॉन्टैक्ट लिंक्स, कैलेंडरी पे क्लास बुक करना चाहते हैं डायरेक्टली, मुझसे कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो वो ये रहे, और प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड दिस वीडियो। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना, पीस आउट।